दोस्तों, इस सीरियल के बारे में अपडेट देने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लो, जिससे कि दोस्तों इस सीरियल के नए एपिसोड को मैं जैसे ही इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप इस सीरियल के नए एपिसोड को सबसे पहले देख लो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही दोस्तों अगर एपिसोड आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों इस सीरियल से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सिमरन जो रहती है उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है उसकी वार्डन मैम के द्वारा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों साहिबा जो रहती है उसे पता चल जाता है कि सिमरन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। तभी दोस्तों वो वार्डन मैम को जाकर पूछती है कि सिमरन कहाँ है। तभी दोस्तों वार्डन मैम कहती है कि तुम फिर से सिमरन का पूछने के लिए यहाँ पर आ गई, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम अगली बार यहाँ पर आओगी तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तभी दोस्तों साहिबा कहती है कि पुलिस इस बार तुम नहीं बल्कि मैं खुद लेकर आई हूँ और मुझे पता है कि तुमने सिमरन को छुपा रखा है। अभी दोस्तों पुलिस वहां पर आती है और वार्डन मैम से पूछती है कि सिमरन को कहाँ छुपा रखा है। तभी दोस्तों जो वार्डन मैम रहती है वो वहां से भागने की कोशिश करती है और वो भागकर दोस्तों सिमरन के पास जाती है और वो सिमरन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करती है। तभी दोस्तों जो साहिबा रहती है वो वार्डन मैम को देख लेती है और वो देखती है कि वार्डन मैम सिमरन को लकड़ी से मारने वाली होती है। तभी दोस्तों साहिबा वहां पर पहुंच जाती है और वो डंडे को पकड़ लेती है। इसके बाद दोस्तों साहिबा वार्डन मैम को जोर से थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद दोस्तों वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचने के बाद सिमरन जो रहती है वो सच्चाई सारी बता देती है कि वार्डन मैम को इन लोगों ने पैसे दिए मुझे एडॉप्ट करने के लिए। जिसके बाद दोस्तों जो फैमिली एडॉप्ट करने आती है वो कहती है कि नहीं, ये सिमरन झूठ बोल रही है, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। तभी दोस्तों सिमरन कहती है कि मेरे पास सबूत है और उसके बाद दोस्तों वो मोबाइल निकालती है और सबसे पहले वो मोबाइल को चार्ज लगाती है, जिसके बाद दोस्तों वो फोन को चालू करके फोटो बताती है जिसमें वार्डन मैम के पास में एक बड़ा सा बैग रखा हुआ है और वो रिश्वत ले रही है। जिसके बाद दोस्तों जो दूसरी पुलिस रहती है वो बैग लेके आती है और कहती है देखिए ये वो बैग रहा जो कि फोटो में दिखाई दे रहा है। जिसके बाद दोस्तों उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं और फिर दोस्तों पुलिस को और साहिबा और सबको भरोसा हो जाता है कि सिमरन सही बोल रही है। जिसके बाद दोस्तों सिमरन जो रहती है वो साहिबा के आकर जोर से गले लग जाती है और इस तरह से दोस्तों साहिबा जो रहती है वो सिमरन को मुसीबत से बचा लेती है।